नमस्ते, स्वागत है आप सभी का जैसलमेर बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सलोनी सारसर। आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश। चलिए आपको रूबरू करवाते हैं कुछ खास खबरों से। खबर जैसलमेर से। जैसलमेर के झिंझनियाली थाना क्षेत्र के कोहरा गांव में मेघवाल जाति के वृद्ध व्यक्ति पर जानलेवा हमला, पठाना राम मेघवाल पर जानलेवा हमला हुआ। जैसलमेर के कोहरा गांव की घटना। वृद्ध व्यक्ति की हालत नाजुक है, बाड़मेर के सरकारी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। आरोपी युवक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, राजपूत जाति के बताए जा रहे हैं हमलावर। गुरुवार रात्रि की करीब 8 बजे की ये घटना। आरोपी शराब के नशे में धुत था। कोहरा गांव के रास्ते से जा रहे पठानराम मेघवाल पर हमला किया। ग्रामीणों का कहना है कि आरोपी आदतन शराबी एवं भूमाफिया है। खबर जैसलमेर से। जैसलमेर के कोहरा गांव में वृद्ध व्यक्ति के साथ घटना को लेकर दलित नेता पूर्व प्रधान शिव उदाराम सहित कई नेता ने भी ट्वीट किया। खबर जैसलमेर से। ट्वीट में दलित नेता ने बताया कि जैसलमेर जिले के झिंझनियाली थाना क्षेत्र के कोहरा गांव में अनुसूचित जाति के पठानाराम सुमराराम पर स्वर्ण जाति के लोगों द्वारा कातिलाना हमले की निंदा करता हूं। इस तरह का प्राणघाती जानलेवा हमला बहुत ही निंदनीय है और हमला करने वाले हमलावरों को तुरंत गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाए। प्रधान ने राज्य पुलिस व राजस्थान सरकार को ट्वीट कर जल्द कार्यवाही करने की मांग की है। जैसलमेर के युवा शल्य चिकित्सक सताराम पवार ने फिर यह साबित कर दिया कि चिकित्सक को भगवान के बाद जीवन दाता क्यों कहा जाता है। जैसलमेर जैसे दूरस्थ सीमावर्ती जिले में अपने सीमित संसाधनों के होते हुए भी 67 वर्षीय मरीज जो कि अपनी पीठ की गांठ से पिछले 10 वर्ष से परेशान था। कैंसर के लक्षणों वाली वजह से मरीज पिछले 7 साल से सीधा सो तक नहीं पाया एवं पिछले 5 वर्ष में गांठ इतनी ज्यादा बढ़ी कि मरीज सीधा चलना भूल चुका था। गांव की साइज गांठ की साइज 20-15 सेंटीमीटर थी, वह 10 किलोग्राम वजन था। मरीज को जोधपुर अहमदाबाद तक डॉक्टर ने यहां तक मना कर दिया कि आपके दिल में बहुत सारी दिक्कतें हैं जिसका दिल काम करना कम हो गया हो एवं फेफड़े भी लगभग जवाब दे चुके थे एवं बेहोश करते ही सांस उखड़ने के पूरे पूरे भरोसे हैं। फिर भी जैसलमेर के डॉक्टर सताराम पवार एवं उनकी टीम ने काफी बड़ी रिस्क लेकर यहीं जैसलमेर में ही सफल ऑपरेशन करके नया कीर्तिमान रचा व मरीज को नया जीवन प्रदान किया। ऑपरेशन टीम ने डॉक्टर सताराम पवार लैपोक्रेसिक एवं जनरल सर्जन Q&1 ऑफिसर कॉलोनी पूनम स्टेडियम के पीछे जैसलमेर रोड राजेंद्र गिल जनरल सर्जन डॉक्टर नरेश शर्मा ICU एवं एनेस्थेटिक अमित जी जिहाडुराम GA ऑपरेशन PMO डॉक्टर JR पवार सर के सानिध्य में संपन्न हुआ। जिला पुलिस अधीक्षक जैसलमेर डॉक्टर अजय सिंह के निर्देशन में थानाधिकारी पुलिस थाना कुहड़ी ने थाना परिसर में CLG मीटिंग ली, आमजन की समस्याओं को सुना और निराकरण करने के आदेश दिए। रावणा राजपूत समाज के आइकन मेजर दलपत सिंह शेखावत के 133वें बलिदान व शौर्य दिवस और संपूर्ण समाज ने भावभीनी पुष्पांजलि व श्रद्धांजलि अर्पित की। फतेहगढ़ उपखंड के डांगरी गांव में अतिक्रमण को लेकर भूमाफियाओं के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। कई मामले प्रशासन के संज्ञान में आने के बाद भी हालात दिनों दिन बिगड़ते जा रहे हैं। फिलहाल के लिए जैसलमेर बुलेटिन में सिर्फ इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ फ्लैश।